हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टिप्स। सो गाइस, बैंक निफ्टी का आज का फाइनल क्लोजिंग मिला है 47,297, यानी कि 300 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया हुआ है। ओके, 47,300 के पास इसने क्लोजिंग किया हुआ है। कल का कैंडल अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रांग कैंडल इसने बनाया है। नीचे से देखा जाए तो ये सपोर्ट क्रिएशन का काम कर रहा है, नीचे से ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। अपसाइड में इसके लिए जो रेजिस्टेंस हो रहा था 47,047 का एक लेवल है ये वाला, जहां पे हम रेजिस्टेंस को फेस कर रहे थे। इसके ऊपर हम जब भी गए है, मतलब इसके पास जब भी गए है, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। बहुत कोशिश करने के बाद हमने ये वाला लेवल निकाला, उसके बाद हम रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए। यहाँ पे रिटेस्ट डन हुआ एंड अब का मार्केट है जो यहाँ पे टॉप पे जाके खड़ा है अपने प्रीवियस हाई के पास। आज के कैंडल ने प्रीवियस हाई के पास होल्ड किया है। ये प्रीवियस कौन सा हाई है? ये प्रीवियस स्विंग हाई है जिसके पास हमने काफी अच्छा होल्ड किया है। सो निफ्टी बैंक का आज का कैंडल काफी छोटा बना है, क्योंकि ये सिर्फ 2 आवर का एक सेशन था, इसीलिए ये कैंडल ऐसा बना है। ठीक है, सो कल का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे के दिन का। अगर हम इसके हाई के ऊपर जाते हैं, आज का जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर जाते हैं, बैंक निफ्टी 47,240 के लेवल का अगर सपोर्ट क्रिएशन का काम करता है, देन इसमें पॉसिबिलिटी है अपसाइड जाने की। ठीक है, इतना चांस यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मुझे। अगर इसको ब्रेकआउट फेल करना है, ये ब्रेकआउट फेल के चांसेस मुझे बहुत लेस लग रहे हैं, क्योंकि अब की बार ये जो अपसाइड गया ना, ये किस बेस पे गया है? ये रिटेस्ट करके गया है। या तो चीज दो हो सकती है, यहाँ पे ये थोड़ा सा होल्ड करे, एक दो दिन बैंक निफ्टी यहाँ पे और होल्ड करे, हो सकता है मंडे का दिन साइडवाइज हो सकता है यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड करता है तो। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो वापस ट्रेंडिंग एंड अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नहीं तो ये वापस कोशिश करेगा 47,000 तक आने की, लोगों का एसएल बाहर निकालने की, लॉन्ग वालों पोजिशन वालों का एसएल बाहर निकालने की कोशिश करेगा, सपोर्ट बना के वापस यहाँ से सपोर्ट 47,000 का एक लेवल बताया जाएगा आपको, कि जो एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। लाइव में मैं आपको लेवल्स और दूंगी क्लियरली, जो वहां पे नए सपोर्ट क्रिएट होंगे वो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, कि वो सपोर्ट स्ट्रांग अगर होते हैं तो वहां से मार्केट रिवर्सल करके अपसेट जाने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, सो कीप इन माइंड 47,000 एक रिट्रेसमेंट लेवल है ये वाले मूव का। जो ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया है ना, इसके बाद आज भी हम अपसाइड में सस्टेन किए, डाउन साइड में सपोर्ट तोड़ा नहीं है। अगर हम 240 का लेवल तोड़ते हैं नीचे के साइड में 47,240, तो ये 47,000 तक आने का ट्राई करेगा। ये लेवल टूटा तो ये लेवल पॉसिबल होने के चांसेस रह सकते हैं, एंड दिस इज द वन रिट्रेसमेंट लेवल फॉर अपसाइड। अपसाइड में रिट्रेस्ट करने के लिए ये लेवल इसके लिए सही रहेगा, एंड यहां से अगर अपसाइड जाएगा तो फिर अपना लास्ट हाई निकालने की कोशिश करेगा, एंड आने वाले दिनों में हमें 47,888 ये टारगेट पॉसिबल मुझे आने वाले टाइम में लग रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट जहां से क्रिएट करना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट सपोर्ट क्रिएशन इसने किया है। सो आने वाले टाइम में इसका चांसेस है अपसाइड में ये लेवल ब्रेक करने के। चलो अभी 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट होके देखते हैं कि 15 मिनट ने क्या प्राइस क्रिएट किया है। सो गाइज, उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली हम 9 से 3 बजे तक लाइव करते हैं, वहां पे आपको एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैं देती हूँ मेरे व्यू के हिसाब से, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको भी आपको इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, एंड इस वीडियो को जरूर से लाइक करना है। ओके, सो 47,000 यहाँ पे हमारा 300 के पास क्लोजिंग है, आज का जो पहला कैंडल बना सेलर का, उसके बाद हमने होल्ड किया है, इसने कोशिश पूरा किया है होल्डिंग का। नीचे आया है क्या ये? नीचे नहीं आया, इसने होल्डिंग का कोशिश किया है, अपसाइड में ये होल्ड करके रखा है। 47,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में आने वाले टाइम में आपको एक दो दिन में 47,888 का टारगेट पॉसिबल देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल टूटा, 47,240 का लेवल अगर टूटता है, तो 47,047 यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी इसका हो सकता है। अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखा जाए तो इसके पास यही है, क्योंकि इसी के पास हमने रुक के ब्रेकआउट करके ट्रेंडिंग रैली किया है, तो रिट्रेसमेंट करने के लिए आना भी है, तो यहाँ तक इसको आना चाहिए। यहाँ आता है, सपोर्ट क्रिएट करता है, देन वी कैन सी बैंक निफ्टी अपसाइड। अगर अच्छा खासा सेलिंग बनना है, सेलिंग के लिए किस साइड में सेलिंग अगर इसमें होना है तो
तो 46,900-800 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इनके नीचे अगर आता है, 900 के नीचे अगर आता है तो फिर हम लोगों को सेलिंग इसमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। 46,700 के आसपास तक 200 पॉइंट का डाउनसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ है ना, ये जो ट्रेंडिंग मूव हुआ है, ये मार्केट को आसानी से नहीं गिरने देगा। ये थोड़ा सा और अपसाइड चढ़ा के लेके जाएगा, लगभग 47,800 के आसपास तक ये लेके जाएगा इसको। एंड उसके लिए थोड़ा सा ही करेक्शन जरूरी है, ज्यादा बड़ा करेक्शन इसमें जरूरी नहीं है। ओके, बैंक निफ्टी का अभी ओपनिंग मैटर करेगा। ओपनिंग अगर गैपअप ओपन होता है तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस सस्टेन होने देंगे। गैप डाउन के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। एंड मान लो कि ओपनिंग पे ही तुरंत ये अपसाइड भाग जाता है तो थोड़ा सा एक डिप चाहिए या कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बेसिस पे हम उसको देखेंगे। अभी निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का जो कैंडल बना है ऑल टाइम हाई पे, एक छोटा सा रेड कैंडल बना है जो कि आज के 2 आवर सेशन का एक रेड कैंडल है। सो ये रेड कैंडल कितना मायने रखता है, जब भी टॉप पे एक रेड कैंडल बनती है तो उसका मीनिंग है कि उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। सो कल अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, तो ये वापस सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। उसके लिए एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल है 22,211 के पास। 22,211 निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। सो ये यहाँ तक आकर अगर रिवर्सल करता है, रिवर्सल के लिए जगह रहेगी। रिवर्सल के लिए अगर रिट्रेसमेंट भी करना है, पुलबैक करना है, तो पुलबैक 22,211 का ये जो लेवल है, यहाँ से पुलबैक पॉसिबल हो सकता है। जनरली कैंडल जब बुलिश बनती है तो चांसेस थोड़ा सा शैडो छोड़ने के रहते हैं, शैडो छोड़ता है, वीक छोड़ता है, एंड उसके बाद कैंडल रिवर्सल करके एक ग्रीन बनती है। ये जो कैंडल बनी है ना, काफी स्ट्रांग बायर का कैंडल है, काफी स्ट्रांग कैंडल है। बायर इतने आसानी से लास्ट हाई निकलने के बाद नीचे मार्केट को नहीं आने देंगे, पूरा कोशिश करेंगे होल्ड करके रखने का। एंड आज का अगर सपोर्ट लेवल देखा जाए तो 22,366 को रिस्पेक्ट हो रहा था, आज 22,366 के नीचे हम नहीं आए हैं। मान लो 366 के नीचे हम आ भी जाते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 22,222 का। ये सपोर्ट लेवल रहेगा जो पहले रेजिस्टेंस हो रहा था, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे थे, जैसे उसको निकाला एक अच्छा मोमेंट आया, तो वही लेवल जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट व्हेन इट ब्रेक्स। ओके, ये चीज माइंड में रखनी है। ये जो छोटा सा रेड कैंडल है ना, ये कैंडल अगर इनसाइड होता है तो काफी अपसाइड में अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। मुझे निफ्टी एक्सपेक्टेड है 22,600-22,800 आने वाले टाइम में। हो सकता है मार्च के मंथ में आए जाए या अप्रैल के मंथ में जाए। ये पहले अपसाइड का एक मोमेंटम करेगा, काम खत्म करेगा, एंड देन इसको डाउनसाइड में सेलिंग अगर करना है तो वो कर सकता है। ये जो कैंडल बना है, हमर कैंडल बन रहे सारे, वैसे तो हमर कैंडल बॉटम पे बनते हैं, टॉप पे नहीं बनते हैं, लेकिन ये कैंडल जितना होल्ड करके रखेंगे वो बात सही है। अभी ये वीक भी क्लोज हो गया है, सो निफ्टी का ये वीक का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग मिला है जो कि एक अच्छा खासा क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट वीक में इसका ट्राई रहेगा थोड़ा सा पहले नीचे शैडो छोड़ने का एंड देन अपसाइड मूवमेंट करने का, ये इसका ट्राई रहेगा। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसमें पॉसिबल है। आज का प्राइस एक्शन क्या क्लोज करके गया वो मायने रखता है। प्राइस एक्शन, चार्ट रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ट्राई करना है आपको कि आप चार्ट रीड कर पाओ, ये आपको ट्राई करना है। ओके, निफ्टी का क्लोजिंग देखकर लग रहा है कि निफ्टी अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ा, 366 का जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड में पहले मूवमेंट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले कैंडल क्या करेगी, नीचे की साइड में 1 वीक के हिसाब से शैडो छोड़ेगी एंड देन कैंडल बुल बनने का ट्राई करेगी। अभी ये इसके हिसाब से फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, लगभग ये 22,322 के पास आने की कोशिश करेगा। ये लेवल टूटता है तो 22,300 एंड 22,222 ये रिट्रेसमेंट लेवल निफ्टी के लिए डाउन साइड में मेरे हिसाब से होने चाहिए। एंड मार्केट अप ट्रेंड में है, सो डाउन ट्रेंड में इसको मत सोचो। जिस ट्रेंड में है फिलहाल, इंट्राडे हो ना आप लोग, इंट्राडे वाले हो ना, तो इंट्राडे में आपको क्या चाहिए कि आज क्या कर सकता है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। एंड आपको एक आइडिया यहाँ पे है कि ट्रेंड अभी बहुत पॉजिटिव हो चुका है। जिस दिन बड़ा सेलिंग आना होगा ना, उस दिन बड़ा सपोर्ट टूटेगा। जैसे अभी पिछला वाले दिन जो अच्छा खासा सेलिंग आया था, इस वाले दिन जो सेलिंग आया था, इस वाले दिन बड़े सपोर्ट लेवल को तोड़ा, इसलिए सेलिंग आया ना। बड़ा सपोर्ट लेवल जिस दिन तोड़ेगा उस दिन उसको सेलिंग साइड में देखेंगे। अभी पूरा मार्केट स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे है, सो सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। इतना व्यू क्लियर है। सो इसमें भी सेम है, गैप अप
बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, अगर दोनों कुछ में से एक ओपनिंग होता है तो हम लोगों को चाहिए प्राइस सस्टेन करे, प्राइस जितना सस्टेन करेगी उतना उसके ऊपर वैल्यू हम लोगों को आएगा। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करना है, चैनल पे नए लोग हो सब्सक्राइब भी कर लेना है। जल्दी मिलते हैं मंडे वाले दिन लाइव सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।